नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेके आ गया हूँ एक और स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। तो आज हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M51 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A51 के बीच में। ये एक ऑनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है, ये ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है। एंड प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सैमसंग का एक्जिनोस 9611। तो प्रोसेसर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे M51 में पावरफुल देखने को मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है वो हम यहाँ पे आज इस टेस्ट में देख लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले दोनों ही फ़ोन को एक बार मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। एंड हमेशा की तरह हम स्पीड टेस्ट को दो राउंड में करेंगे। पहले राउंड में ऐप ओपनिंग स्पीड देखेंगे एंड दूसरे राउंड में रैम मैनेजमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली फ़र्क तो हमें पहले राउंड में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि M51 में आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाता है। एंड लास्ट में इन दोनों फ़ोन्स का इंटरनेट स्पीड टेस्ट भी करेंगे एंड देखेंगे कि वहाँ पे कुछ फ़र्क देखने को मिलता है या नहीं। तो रिबूट स्पीड के बारे में बात करें तो यहाँ पे M51 काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया था, जबकि A51 ने स्टार्ट होने में टाइम लगा दिया था। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दिखा देता हूँ कि दोनों ही फ़ोन को मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है एंड जो ब्राइटनेस है वो भी मैं सेट कर देता हूँ सेम ही दोनों में। वैसे यहाँ पर डिस्प्ले इसका ज़्यादा ब्राइट है एंड दोनों ही फ़ोन में 8GB रैम है। दोनों ही फ़ोन 8GB रैम वेरियंट है मेरे पास। तो यहाँ पर मेमरी में जो भी टास्क है उसको हम क्लियर कर देते हैं एंड अभी हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब ओपन करते हैं। तो M51 ने जल्दी ओपन कर दिया है। ये M51 की ही वीडियो है, यहाँ पे भी M51 की वीडियो है। तो अगर नहीं देखी अब तक तो जाके देखिए। उसके बाद Amazon ओपन करते हैं। अगेन M51 ने जल्दी ओपन किया है। Flipkart M51 बहुत जल्दी से ओपन कर दिया है। उसके बाद प्ले स्टोर, तो अगेन M51। गूगल क्रोम M51। मैप्स अगेन यहाँ पे लोड M51 ने जल्दी कर दिया है। उसके बाद अभी कुछ गेम्स ओपन कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे M51 ने जल्दी ओपन कर दिया है। तो जैसे मैंने कहा था कि पहले राउंड में यहाँ पे M51 ही बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। टेम्पल रन 2 ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, तो अगेन M51। उसके बाद डेड ट्रिगर 2। अगेन M51। एस्फाल्ट 9। तो यहाँ पे टाइमिंग में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे भी अगेन M51 ने जल्दी ओपन कर लिया है। चलिए अभी कुछ बेसिक से टास्क ओपन कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर अगेन M51, सेटिंग्स अगेन M51, फोन अगेन M51, गैलरी M51, मैसेजेस M51, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है M51, कैमरा अगेन M51। तो जैसे टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले राउंड में M51 ही बेटर परफॉर्म करेगा,
तो उसी तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। चलिए अभी दूसरे राउंड में देख लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में ऐप्स को ओपन करके कि रैम मैनेजमेंट कैसा है इन दोनों फ़ोन्स का। यहाँ पे वैसे कोई भी फ़र्क देखने में नहीं आएगा, ये मेरा गेस है, बाकी देख लेते हैं। जी हाँ, तो दूसरे राउंड में जहाँ पे हम रैम मैनेजमेंट चेक करते हैं वहाँ पे दोनों फ़ोन ने एग्जैक्टली सेम परफॉर्म किया था, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, तो वैसे ही रिजल्ट्स आए। अभी इन सभी टास्क को मैं क्लियर कर देता हूँ एंड इंटरनेट स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इंटरनेट स्पीड के बारे में बात करें तो डाउनलोड स्पीड यहाँ पे A51 में थोड़ी सी बेटर देखने को मिली है, तो अपलोड स्पीड यहाँ पे M51 में बेटर देखने को मिली है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो M51 यहाँ पे क्लियर विनर है। जो पहला राउंड था जो ऐप ओपनिंग स्पीड थी वो वहाँ पर काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन का अच्छा है, इंटरनेट स्पीड में भी इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। बट जो M51 में प्रोसेसर है जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्जिनोस 9611 के साथ। एंड उसके अलावा कैमरास वगैरह भी आप देखते हैं तो वो भी यहाँ पे M51 में आपको बेटर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस दोनों फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन भी आपको मैं दे दूंगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।